आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। करेंट अफेयर 10 मिनट पढ़कर एग्जाम में अच्छा स्कोर किया जा सकता है, या फिर कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, आपका 10+2 का एग्जाम हो, रेलवे हो, जीडी हो। आज एग्जाम था आपका 10+2 एसएससी का, और जब जब एग्जाम होता है तब तब मैं बोलता हूं करेंट अफेयर को कम समय में पढ़कर अच्छा स्कोर किया जा सकता है। और ये नहीं बोलूंगा ना, आज क्वेश्चन दिखाऊंगा जो एग्जाम में आया है, तो ये नहीं बोलूंगा कि जो मैं पढ़ाया हूं वही आया है। करेंट अफेयर सभी टीचर पढ़ा रहे हैं, सभी टीचर का आया है, लेकिन मेरा मेन मकसद आपको बताने का यह होता है ना कि आप पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा बोझ अपने आप मत बना लो। सुबह उठकर 1.5 घंटा 2 घंटे करेंट अफेयर का वीडियो देख रहे हैं बहुत सीरियस एग्जाम को लेकर। अब क्या हो रहा है, सुबह उठकर इतना लोड ले लिया है ना कि अभी सारा दिन बाकी है। अब सारा दिन जीके, रीजनिंग, जीएस, जीके ये सब पढ़ रहे हैं। अब लग रहा है कि बहुत पढ़ रहे हैं। प्रेशर इतना मत ले लो ना कि आप दब जाओ उसके अंदर। तो मैं बार बार बोलता हूं, सुबह उठकर करेंट अफेयर को 10 मिनट में बिना एक क्वेश्चन छोड़े कवर किया जा सकता है, हर टॉपिक को कवर करते हुए। लेकिन 10 मिनट भी पढ़ो तो पूरे जान लगाकर। और आज का क्वेश्चन क्या के आया है मैं वो भी आपको अभी दिखाऊंगा। और एक बात मैं आप सभी को बोल दूं, पहले आप ये सुन लो ना कि क्वेश्चन आपको पहले दिखाऊं, करेंट अफेयर पढ़ने का सबसे सटीक तरीका क्या है, सबसे अच्छा। देखो क्वेश्चन कोई भी टीचर 10-12 क्वेश्चन ही कराएगा करेंट अफेयर का, डेली का। वो क्वेश्चन को आप 8 से 9 मिनट में कवर करो, भैया इतना में हो जाएगा बिल्कुल। मैं डेली सुबह में 8 बजे आपको करवाता हूं, 10 मिनट करेंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ो, उसी के अंतर्गत ना आप कुछ पॉइंट भी डेली पढ़ो। देखो अब मैं बोलूंगा चाइना, अमेरिका, रसिया, पोलैंड, स्वीडन या फिर इजराइल, यही सब देश है। अब नया देश का निर्माण नहीं हो रहा, तो यही देश के बारे में आपको डेली पढ़ना है करंट अफेयर। यही तेलंगाना, यही हिमाचल प्रदेश, यही पश्चिम बंगाल, यही बिहार, यही उत्तर प्रदेश, यही मध्य प्रदेश, तो यही सब राज्य के बारे में पढ़ना। नया राज्य का गठन नहीं हो रहा है, नया बैंक का गठन नहीं हो रहा, नया संगठन का गठन नहीं हो रहा है, तो करेंट अफेयर में ये सब चीज भी आप डेली पढ़ो, ताकि आपको ना एग्जाम के समय ये ना पूछना पड़े ना इतना सारा देश है, राज्यपाल कैसे पढ़े, मुख्यमंत्री कैसे पढ़े, लोग ये सब ना करें। आप उसी 10 मिनट में करेंट अफेयर में ये सब डेली कवर करो। करेंट अफेयर डेली सुबह पढ़ो तो किसी भी राज्य के बारे में ना, किसी भी राज्य के बारे में उसी दिन आप वहां के मुख्यमंत्री, राज्यपाल भी पढ़ो, ठीक है, वहां पर लोकसभा सीट कितना है, राज्यसभा सीट कितना है वही पढ़ो, ठीक है, वहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है ये भी पढ़ो, उस राज्य का राजधानी क्या है ये भी पढ़ो, ठीक है। एक महीना अगर आप ऐसे करोगे ना, गारंटी बोल रहा हूं आपको, ये सब चीज ना एग्जाम के समय बिल्कुल पैनिक, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। भैया राज्यपाल का पीडीएफ चाहिए, मुख्यमंत्री पढ़ना है, आप डेली पढ़ो उसी 10 मिनट के अंदर, प्लस उसी 10 मिनट के अंदर ना किसी भी देश के बारे में करेंट अफेयर बनता है तो उसका राजधानी मुद्रा उसी समय पढ़ लीजिए, उसके राष्ट्रपति कौन है या उसके प्रधानमंत्री कौन है उसी दिन पढ़िए, ताकि आप, अब एक बात बोल दे रहा हूं, करेंट अफेयर में ना किस देश का पूछेगा तो मैं बराबर बोलता हूं, जो देश चर्चा में रहेगा उसी देश का राजधानी, मुद्रा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पूछेगा, तो उसे आपको 10 मिनट में ही कवर करना है। या फिर किसी भी संगठन के बारे में यह भी पढ़ रहा है उसी दिन आपको, जैसे मान लो वर्ल्ड विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व संगठन है, वो जितने भी संगठन है, उसकी इसरो है, नासा है, स्पेस एक्स है, जितने भी संगठन है, किसी का भी करेंट अफेयर में क्वेश्चन बनता है तो उसका पूरा जानकारी, उसका मुख्यालय कहां है, उसका स्थापना कब हुआ है, उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये सब चीज आपको डेली पढ़ना है उसी 10 मिनट के अंदर। या फिर बैंक के बारे में, किसी भी बैंक के बारे में क्वेश्चन बने तो कम से कम आप अपने आप को ऐसे रेडी करो ना, उस बैंक का मुख्यालय, उसका स्थापना, अध्यक्ष, और एक चीज भूल गया जो आपको सुबह 8 बजे करवाता हूं करेंट अफेयर में, क्या टैगलाइन, किस बैंक का क्या टैगलाइन है, यह भी आपको उसी दिन पढ़ना है, ठीक। यह सबसे बेहतरीन तरीका है करेंट अफेयर पढ़ने का। भैया 10 मिनट में सब हो पाएगा, 10 ही मिनट में सब करना है, क्योंकि ना पढ़ने के बाद आपको लगे ना प्रेशर कम है, सुबह करंट अफेयर भी कवर हो गया और दिमाग में ज्यादा लोड भी नहीं लगा। ये नहीं कि सुबह उठकर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं 1 घंटा 1.5 घंटा, अब टेम्पो जैसा दिमाग में, ट्रक जैसा माल लोड सुबह ही सुबह कर लिए, तो बाबू सारा दिन तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो गई होगा, और फिर बोलेंगे
बहुत पढ़ रहे हैं, आज दिन भर पढ़ रहे हैं, अब प्रेशर के अंदर दबो मत, एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि हमको कितना पढ़ना है। और मैं बराबर बोलता हूं, अगर आप एक साल डेढ़ साल तैयारी कर रहे ना, तो डेली 4-5 घंटा सफिशियंट है आपको एग्जाम निकालने के लिए। आप जितना पढ़ना है बहुत पढ़ चुके। आज का क्वेश्चन एक बार देखो आप सभी, आज का क्वेश्चन क्या बना है, एक एक क्वेश्चन पीडीएफ में मिल जाएगा, एक एक क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन मिला है आपको बताया थे ना, यूरो कप 2021 का विजेता कौन है, आपको मैंने बताया था एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा, कौन था, इटली। और साथ में ये भी बताए थे कोपा अमेरिका, कोपा अमेरिका जो अभी हाल फिलहाल में हुआ, उसका विजेता कौन है, तो अर्जेंटीना, याद रखिएगा। देखो फीफा 2020 का अवार्ड किसको मिला है, एकदम हमारे पीडीएफ में आपका ये क्वेश्चन मिल जाएगा, एकदम पोलैंड के खिलाड़ी को मिला था, याद है इसका, पोलैंड का खिलाड़ी है, बहुत लाजवाब फुटबॉलर है, ये क्वेश्चन मेरे पीडीएफ में मिल जाएगा, मेरा नहीं सर टीचर करवाया होगा। लेकिन मेरा मकसद है बताना ना कि प्रेशर के अंदर ना दम मत जाइए आप सभी। देखो नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, और साथ में 2020 में सभी को पता होगा भैया, आप बराबर बोलते हो कि नया मंत्रिमंडल का गठन हो, नोबेल पुरस्कार हो, बजट हो, ये सब जो स्टैटिक टॉपिक है इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ने के लिए, तो बताया था ना रॉबर्ट डब्ल्यू विल्सन प्लस पॉल मिलग्रॉम दो लोगों को मिला है। असम में कितना राज्यसभा सीट है, क्वेश्चन बना है, और ये क्वेश्चन आपके लिए नया नहीं है क्योंकि सुबह 8 बजे ना ये सब आप डेली पढ़ रहे हैं, तो घर का खेती का ही क्वेश्चन आया है। 7 राज्यसभा सीट है और 14 लोकसभा सीट है, ठीक। देखो पूछा है आपको एकदम करेंट अफेयर का क्वेश्चन करवाया हुआ, चालक रहित मेट्रो किस शहर में शुरू हुआ है, एकदम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, कहां पर, तो आपका दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो शिमोगा त्यौहार कहां मनाते हैं, तो गोवा में, गोवा के राज्यपाल कौन है, पीएस श्रीधर पिल्लाई। गोवा का मुख्य न्यायाधीश, तो भैया दीपंकर दत्ता, तो प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री, एकदम मुंह के ऊपर होना चाहिए। देखो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है, जैसे एक संगठन है इसके बारे में सब पता होना चाहिए, मनविंदर सिंह, कौन, मनविंदर सिंह इसके अध्यक्ष है। अच्छा टैगोर पुरस्कार किसको मिला है, ये ना 2021 में ही एनटीपीसी में पूछा गया, एचएसएल का जो एग्जाम करवा कर बंद करवा दिया गया था ना, वहां पर भी पूछा गया था, राम कमल झा, ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन। तो मैं बाबू 1.5-2 घंटा का करंट अफेयर क्यों पढ़ेगा जब 10 मिनट में ही सब कवर हो रहा है, ताकि दिमाग फ्रेश रहे आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखो, आंध्र प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश, ये क्वेश्चन बना है भैया, ये तो घर का खेती का है, डेली पढ़ रहे हैं ये सब के बारे में, तो अरूप कुमार गोस्वामी। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है, भैया बैंक के बारे में डेली पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, मुंबई में, इसका गठन जुलाई 1955 में हुआ, ठीक है। दिनेश कुमार खर्रा एसबीआई के अध्यक्ष है। इसका टैगलाइन क्या है, दो को याद करवाएं टैगलाइन सुबह 8 बजे करंट अफेयर में, कौन कौन सा, एक तो याद करवाएं आपको प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, और एक क्या याद करवाएं, द बैंकर टू एवरी इंडियन। देखो तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ है, कितना बार बताए हैं, एनटीपीसी में पूछा गया 2014 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम, बाबू ये तो घर का खेती क्वेश्चन है, गोटाबाया राजापक्षा, प्रधानमंत्री इनके चचेरे भाई महिंदा राजापक्षा। जैसे फिक्की के बारे में पूछा, जब जब क्वेश्चन फिक्की को लेकर बनता है मैं तब तब बताता हूं, फिक्की का गठन 1927 में हुआ है, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है, उसके बाद इसका सीईओ कौन है, तो सीईओ है भैया संगीता रेड्डी। इतना बार मैंने आपको बताया है ये सब चीज, बाप रे पसीना कितना हो रहा है, उसके बाद कितना बार बताया चेयरपर्सन कौन है, उदय शंकर, कितना बार मैंने आपको बताया है ये सब क्वेश्चन। तो मेरे कहने का मतलब है ना, करेंट अफेयर उतना बड़ा इशू नहीं है आपके एग्जाम के लिए, आपका वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि आपका प्रेशर कम हो पाए, आप बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर मत पढ़ाई करिए। करेंट अफेयर पढ़ना है सुबह पढ़ना है, बिल्कुल नहीं बाबू, आपको करेंट अफेयर 10 से 11 मिनट ही डेली पढ़ना है, और इतना में आप करेंट अफेयर में किसी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो एक लाइक जरूर करिएगा आप सभी, और हो सके ना
रिक्वेस्ट कर रहे हैं कम से कम शेयर करिएगा ताकि लोगों तक पहुंच पाए जो बहुत ज्यादा पढ़कर दिन भर पढ़ रहे हैं प्रेशर के अंदर दब चुके हैं, क्योंकि उनका भी सपना है नौकरी लगना, उनके माँ पापा भी बहुत उम्मीद लगा बैठे हैं। तो आपका फर्ज बनता है कम से कम उनको भी सही राह दिखाया जाए, एक स्ट्रैटेजी बताया पाए कि कम से कम ना ज्यादा प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना है, ठीक है।